कटिहार जिले में बाढ़ ने अपनी दस्तक दे दी है। कदवा प्रखंड के लगभग 10 पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बाढ़ से प्रभावित हुए लोग अपने सामान और पशुओं के साथ सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। ये तस्वीर कदवा प्रखंड के भर्री पंचायत के निकट बधवाबाड़ी पुल की है, जहां बाढ़ का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा है, जिससे कई इलाकों का सड़क संपर्क जिला मुख्यालय से लगभग टूट सा गया है। जिले में महानंदा नदी कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं राहत की खबर ये है कि गंगा, बरगंडी और कोसी नदी उफान पर होने के बावजूद ये नदियां अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। जानकार बताते हैं कि ये बाढ़ की विभीषिका का पहला चरण है। स्थानीय लोग कहते हैं कि प्रशासन बाढ़ से निपटने के लिए जिन तैयारियों का दम भरता है, उसकी जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। पानी के तेज बहाव में एक व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल के साथ बह गया, जिसे स्थानीय युवाओं ने किसी तरह बचाया। लेकिन इतना सब कुछ होता रहा, पर स्थानीय प्रशासन के लोग ना तो इसकी सुधि लेने पहुंचे और ना ही इस बात का जायजा लेने पहुंचे कि पानी के तेज बहाव में क्या क्या और कितने लोग प्रभावित हुए हैं। सरकार का जो है बाढ़ पूर्व जो होता है घोषणाएं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, व्यवस्था कर रहा हूँ, पहले से तैयारी है, शून्य है, कहीं कुछ नहीं है। आप सुबह से देख ही रहे हैं, मैं भी उस पार में देख रहा हूँ, एक भी प्रशासनिक अधिकारी की गाड़ी देखे क्या? मैं नहीं देखा तो आप कहाँ से देखिएगा? मैं जब जनता होकर के नहीं देख सका तो आप क्या देखिएगा? कहीं कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ जो पानी गया बांध चलाया लाओ नहीं हुआ है, हमको मिलता है नहीं, मुखिया भी नहीं आता है, यहाँ को समिति भी नहीं आता है हम लोग का देखने का, क्या खाएंगे? प्लास्टिक तलास्टिक का इज्जत हमको है ना, नहीं देता है, नहीं देखने का आता, घर द्वार सब चू रहा है, पानी में रहते हैं। वहीं दूसरी ओर कटिहार के डीएम कंवल तनुज ने बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों के बीच राहत सामग्री पहुंचाने के कई दिशा निर्देश दिए हैं, जिन्हें सख्ती से पालन कराने के लिए भी कड़े निर्देश डीएम ने दिए हैं। साथ ही डीएम कंवल तनुज ने बताया कि इन इलाकों में एहतियातन एनडीआरएफ की टीम की तैनाती लगभग एक हफ्ते पहले जिला प्रशासन ने उन इलाकों में की है जहाँ बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा बना हुआ था, ताकि इन इलाकों में किसी भी तरह की आपात स्थिति से एनडीआरएफ की टीम तुरंत निपट सके। प्रभात कुमार सिंह, टाइम्स न्यूज़, कदवा।